फार्म केयर विद वसीम में खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर मिसबा सादिक साहिबा मौजूद हैं जो कि हैप्पी कैटल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम हैप्पी कैटल एक बड़ा आजकल उभरता हुआ नाम है, तो मैंने सोचा फार्मर भाइयों आपको ज़रा थोड़ा सा उसे मुतारफ़ करवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया। ज़रा बताइएगा हैप्पी कैटल कर क्या रहा है। हैप्पी कैटल जो सी है ना, ये अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी है। इसका मेन काम जो है ना कि वो ये एनिमल्स जो से है ना अमेरिकन एनिमल्स को इंपोर्ट करवा रही है। इसमें सिर्फ अमेरिकन होल्स्टीन फ्रीजियन नहीं है, इसके अलावा इसमें हम अमेरिकन जर्सी, इसमें अमेरिकन ब्राह्मण और इसके अलावा जो से ना ब्रीडिंग बुल्स वगैरह जो से ना वो भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा रिसेंटली इसने कोलेब्रेशन किया है जो सी है मिल्क लाइन कंपनी के साथ, वो जर्मनी में है, और उसके अलावा जो से हॉमन लावा के साथ, और उसके अलावा जो से ना ब्लेस्ड डेयरी जो से ना इसके साथ कोलेब्रेशन किया है, और मिल्क लाइन से हम मिल्किंग पार्लर वगैरह मिल्किंग इक्विपमेंट जो से ना वो मंगवा रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर मिल्किंग ट्रॉलीज़ है और मिल्किंग मिल्क पाइपलाइंस वगैरह। और हॉमन लावा से जो से ना हम कॉफ की मैनेजमेंट के लिए जैसे मिल्किंग टैक्सी है जो मेन इनका जो फोकस है ना वो मिल्क टैक्सी है, वो मंगवा रहे हैं। और अगर आपने फार्मर को कंसल्टेंसी वगैरह दे रहे हैं तो वो ब्लेस्ड डेयरीज के साथ जो सी है ना इनकी है कोलैबोरेशन, वहाँ से कंसल्टेंसी फार्मर्स को दे रहे हैं। और उसके अलावा डच कोज हैं वो भी हम जो सी है ना उनसे मंगवा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपके सेटअप जो है वो यहाँ पाकिस्तान में और अमेरिका में भी मौजूद हैं, उनके हाँ बारे में ज़रा बताइएगा उसकी कितनी कैपेसिटी है और यहाँ पे आपके पास कितने एनिमल्स मौजूद हैं। जो अमेरिका में है ना, एक तो टेक्सा में यूएसए में जो सा इनका एक फार्म है, उधर 3000 प्लस जो से है ना एनिमल्स हैं। और इसके अलावा जो से है ना हमारा जो सा कसूर में जो से है वो फार्म है, कसूर के पास चूनिया में जो से है ना उनका फार्म है, कुंदन मोड़ के पास जो सा ये इसका एड्रेस है, तो उधर इनका फार्म है। और उधर जो से इनके 1500 प्लस जो से ना इस टाइम एनिमल्स मौजूद है पाकिस्तान में भी। हाँ जी, और अगर कोई अमेरिका से मंगवाना चाहे वो वहाँ से मंगवा ले, अगर कोई यहाँ से खरीदना चाहे तो यहाँ भी आप सेल करते हैं। हाँ जी, वो उधर से शिपमेंट आती है, ठीक है, वो शिपमेंट के जरिए उनको डायरेक्ट अगर कोई चाहता है कि हमारे फार्म पे पहुँचा दिया जाए तो उसे फार्म पे जो से ना वो पहुँचा देते हैं। अगर आप फार्म पे आके खुद अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके लेके जाना चाहते हैं तो आप फार्म पे आके भी विजिट करके ले सकते हैं। छोटे एनिमल्स भी डॉक्टर साहब मौजूद हैं कि बड़े ही जानवर सेल करते हैं? नहीं, छोटे हम जो प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं वो 2 से 6 मंथ तक जो से सेल करते हैं, लेकिन अगर कोई चाहे 8, 9 और मिल्किंग तक वो भी सेल कर लेते हैं, और जो से नॉन प्रेग्नेंट वो 8 से 12 मंथ तक भी सेल करते हैं। जैसा कि फार्मर भाई और डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि ये हैप्पी कैटल एक वाहिद अदारा है जिसके पाकिस्तान में और अमेरिका में भी फार्म्स मौजूद हैं। बाकी जितने भी लोगों से हम मिले हैं उनके पास थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं जो उनको एनिमल सप्लाई करते हैं। इनके पास ना सिर्फ टेक्सास में अपना फार्म है बल्कि यहाँ पाकिस्तान में भी 1500 प्लस एनिमल्स का फार्म मौजूद है। आप उसको जाके विज़िट कर सकते हैं, अगर आपको कोई वहाँ पे एनिमल पसंद है तो आप वहाँ से ख़रीद लें, नहीं तो आप बाहर से भी मंगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है कि कितने एनिमल्स मिनिमम हम मंगवा सकते हैं बाहर से? जितने आपने 5 भी मंगवा सकते हैं, 10 मतलब कि जितने आप मंगवाना चाहते हैं, मिनिमम 5 से 10 आप मंगवा सकते हैं। और शिपमेंट किस किस वक्त आपकी आती है बाहर से, मतलब कि किन किन महीनों में? अभी लास्ट हमारी मार्च में आई है एक वीक पहले, अब नेक्स्ट हमारी अक्टूबर में आएगी। अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, 40% अपनी पेमेंट देके तो बुकिंग करवा सकते हैं। अच्छा, इसकी बुकिंग का तरीका कार ये है कि 40% पेमेंट हम अभी देंगे। हाँ जी, और बाकी रेस्ट जो अमाउंट रह जाती है वो कब देंगे? वो जब आपका आ गया शिपमेंट तो तब आप, मतलब यानी कि शिपमेंट वहाँ से वो हो जाए डिस्पैच, आप बाकी पेमेंट कर दें ताकि फॉर्म पे एनिमल आपके डिलीवर हो जाए। और डॉक्टर साहब इनकी एवरेज प्रोडक्शन क्या है जो लोग आप एनिमल मंगवा रहे हैं, मतलब इनकी एवरेज दूध की पैदावार कितनी है? एक एनिमल जो से 11000 जो से ना एनिमल दे रहा है जो से लैक्टेशन, एक लैक्टेशन में जो से ना मिल्किंग जो से सादा सा अगर हम फार्मर को बताएं पर डे के हिसाब से तो 30-35 किलो दूध होगा। हाँ जी, अमेरिकन का। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और इसकी जो लाइफ है प्रोडक्टिविटी लाइफ या जिसे कहते हैं दूध देने का दौरानिया सालों में वो कितना होगा, 5 साल 4 साल जिस तरह मुख्तलिफ गाय का होता है? लेकिन देखे ना लैक्टेशन का तो ये है, अगर आप फ्रीजियन लेते हैं तो उसकी तो लैक्टेशन जो है ना वो 3-4 साल बाद जो है ना वो खत्म हो जाती है, है। और लेकिन अगर आप जर्सी लेते हैं स्टार्ट में वो मिल्किंग आपको मतलब 16000 पर लैक्टेशन देती है, 6000 देती है, लेकिन बाद में उसकी मतलब ज़्यादा देर तक वो पायदार देती है। लेकिन अगर आप जल्दी एनिमल लेना चाहते हैं कि आपको जल्दी से वो मिल्क जो सा दे और आप जल्दी जल्दी बस अपने पैसे बोले तो आप वो फ्रीजी हैं, लेकिन अगर आराम से आप करना चाहते हैं तो आप जर्सी वगैरह जो है ना। डॉक्टर साहब हमारे माहौल में ये एडजस्ट हो जाते हैं जानवर सारे? हाँ, एनिमल्स हैं हम क्लाइमेटाइज हो जाते हैं, जो टेक्सास के और इधर के एनवायरमेंट में इतना डिफरेंस जो है वो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस आप सर्च भी कर सकते हैं उसके टेम्परेचर में। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि जो अमेरिकन एनिमल जिस हिस्से से हैप्पी कैटल वाले इंपोर्ट कर रहे हैं ना उस हिस्से में और पाकिस्तान में जो माहौल है उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए वो जानवर आसानी से यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अल्लाह हाफिज़।